हे गेमर्स, स्वागत है आपको फ्री फायर के एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक ये कि भाई लोग, मैं और हमारे दोस्त मिलके फैक्ट्री के ऊपर एक चैलेंज किया है, गोल्ड वर्सेस हीरोइक का एक चैलेंज किया है, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही अच्छा बना है, आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। हम लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया है वीडियो में, आप लोग भी देख के इंजॉय करो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और आगे भी ऐसे वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी बता देना, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, देख सकते हो कि हम लोग फैक्ट्री के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। अभी मैंने इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए दो रूल्स रखे थे। रूल नंबर वन ये था कि हम लोग फाइट करते वक्त कोई भी बंदा डीजे आलो का यूज़ नहीं करेगा, और रूल नंबर टू ये था कि हमारे और उन लोगों के टीम में से जो भी बंदा नॉक होगा उसमें से किसी को रिवाइव नहीं किया जाएगा, उसको पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। ये करके हम लोगों ने रूल्स रखा था। उसके बाद हम दोनों टीम्स के बीच में जो बंदा आखिरी जो सर्वाइव करेगा वो बंदा वो टीम विनर रहेगा, ठीक है। ये करके हम लोगों ने रूल्स रखा था। उसके बाद तो भाई लोग, अभी हमारा राउंड स्टार्ट होने वाला था। उसके बाद उन लोग को उस साइड पे, हम लोग इस साइड पे आके थोड़ा राउंड स्टार्ट करने से पहले हम लोग इंजॉय कर रहे थे, इमोट दिखा दिखा के इंजॉय कर रहे थे। हम लोग डिस्कॉर्ड पे कनेक्ट होके एक दूसरे के साथ बात करके खेल रहे थे, तो सब बंदे हंस रहे थे। तो देख के कि आमने सामने होके सब लोग बंदे एक साथ इमोट दिखा रहे थे, इसलिए सब लोग हंस रहे थे, ठीक है। उसके बाद अभी हम चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों के टीम से एक बंदा जाएगा और उन लोगों के टीम में से एक बंदा आएगा, ऐसे करके उन लोगों के दोनों के बीच फिस्ट फाइट होगा, ठीक है। उसके बाद जो बंदा जीतेगा, उन लोगों को जिस टीम से एक बंदा जीतेगा उसको पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अभी उन लोगों के साइड से एक बंदा आ गया, अभी हमारे साइड से एक बंदा जाएगा। मैं बता रहा था कि कौन बंदा हमारे साइड से जाएगा। तो गाइज, मैंने हमारे टीम से चार नंबर के तसन भाई को फिस्ट फाइट करने के लिए भेज दिया, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच में फिस्ट फाइट होगा, जिस टीम से भी जो बंदा जीतेगा उसको पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके उन दोनों के बीच में फाइट बहुत ही अच्छा हो रहा था कि कौन बंदा जीतेगा। हम लोगों को लग रहा था कि हमारा तसन भाई जीतेगा, लेकिन गोल्ड वाला बंदा तसन भाई को मार दिया भाई साहब। अभी हमारे टीम से एक बंदा रिवाइव करने के लिए जा रहा था, तो मैं डिस्कॉर्ड में बोल रहा था भाई रिवाइव करने का रूल नहीं है, ठीक है। तो गोल्ड वाले भाई को बोल रहा था, गोल्ड वाले बंदे को बोल रहा था कि भाई पूरा ख़त्म कर दे तसन भाई को। तसन भाई हंस रहा था, यार मेरे को पूरा ख़त्म करने के लिए क्यों बोला, तो रूल रूल होता है। उसके बाद उसने बाउंटी इक्विप किया था, बाउंटी लेके आया था। तो हम लोग बोल रहे थे कि भाई बाउंटी लेके नहीं आना था, तो साइड में गन वगैरह फेंक के आ जाओ, ठीक है। वो बंदा को साइड में फेंकने को बोला था, तो भाई ने मिडिल पे ही फेंक दिया, ठीक है। तो इस पर भी सब लोग हंस रहे थे। उसके बाद भाई को बोला कि गन लेके साइड में चले जाओ तुम लोग, तुम एक राउंड जीत गए, ठीक है। तो भाई लोग, राउंड टू स्टार्ट हो चुका था और हम लोग की तरफ से हमने नंबर थ्री रामचेरी भाई को भेज दिया था फाइट के लिए, ठीक है। तो हमारे इधर रामचेरी भाई थोड़ा रेडी नहीं थे, लेकिन तो गोल्ड वाला बंदा आके सीधा हेडशॉट मार दिया। उसके बाद मैं बोल रहा था पूरा ख़त्म मत करो, पूरा ख़त्म कर दिया, कोई बात नहीं, रामचेरी भाई को भी मार दिया और राउंड टू भी वो लोग जीत लिया, ठीक है। तो भाई लोग, राउंड थ्री स्टार्ट होने वाला था और मेरी टीम से मैं अपने दिव्यन भाई को भेज रहा था, जो कि जिसका पहले से ही हेल्थ कम था, ठीक है। पहले उतरने के पहले ही वो गोल्ड वाला बंदा एक उनको हेडशॉट मार दिया था, तो ऐसे करके उसका हेल्थ पहले से ही कम था। फिर भी मैं उसको भेज दिया और वो फाइट कर रहा था। तो फाइट राउंड थ्री स्टार्ट हो चुका था, लेकिन इतने हेल्थ में भी उसने एक बंदे को नॉक कर दिया, काफ़ी अच्छा खेला भाई ने, तो उसको पूरा ख़त्म कर दिया, ठीक है। ऐसे करके अभी हमारा सिचुएशन टू वर्सेस थ्री का हो गया था, ठीक है। तो भाई लोग, देख सकते हो राउंड फोर स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं जा रहा हूँ फाइट करने के लिए, उन लोगों की तरफ से एक बंदा आ गया, मैंने उसको नॉक कर दिया, तो पूरा मैं उसको अभी ख़त्म करने वाला हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने पूरा उसको ख़त्म कर दिया, अभी सिचुएशन टू वर्सेस टू का हो गया, ठीक है। राउंड फोर हम लोगों ने जीत लिया। तो गाइस, देख सकते हैं कि राउंड फाइव स्टार्ट हो चुका है। अभी हमारा दिव्यान भाई जा रहा है फाइट करने के लिए, उन लोगों की तरफ से एक बंदा आ रहा था, वो बंदा काफ़ी अच्छा खेल रहा था, ठीक है। उसके बाद मैक्स लेवल का क्ला था, तो वो बहुत ही अच्छा खेल रहा था। तो देख सकते हो दिव्यान भाई को पूरा ख़त्म कर दिया, राउंड फाइव भी वो लोग जीत लिया। तो गाइस, देख सकते हो अभी वन वर्सेस टू का सिचुएशन हो गया है। तो दो बंदे मेरे को मारने के लिए दौड़ा रहे थे, तो मैंने उन लोगों को बोला भाई लोग एक एक करके आओ भाई, मेरे को दो बंदे मत मारो। तो एक एक करके फाइट किया, तो मैं एक बंदे को नॉक कर दिया, ठीक है। ऐसे करके मैं नंबर सिक्स वाला राउंड जीत गया। तो अभी वन वर्सेस वन का सिचुएशन हो गया था।
तो भाई लोग देख सकते हो राउंड 7 स्टार्ट होने वाला है। मेरे को इधर थोड़ा मेडिकेट मिला तो मैं इधर हेल्पफुल कर रहा था, ठीक है। तो अभी 1 vs 1 का सिचुएशन आ गया, तो अभी जो बंदा जीतेगा वही बंदा विनर रहेगा, ठीक है। तो सिचुएशन लास्ट में बहुत ही अच्छा हो गया था 1 vs 1 का। तो अभी मेरे वो दूसरा जो गोल्ड वाला बंदा है ना, उसके बाद मैक्स लेवल का क्ला था, तो मेरे पास मैक्स लेवल का क्ला नहीं था, लेकिन फिर भी देखते कौन जीतेगा, ठीक है। तो ये बंदा बहुत ही अच्छा गेम खेल रहा था, तो गेम प्ले कर रहा था, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा था इस बंदे का गेम प्ले देख के, ठीक है। तो अभी हम दोनों के बीच में फाइट हो रहा है, तो एक बंदा देखो मेरे को हेडशॉट मार दिया, ऐसे करके गोल्ड वाला विनर गोल्ड वाला रह गया। तो आप लोगों को वीडियो देख के कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा।